भाई ये दोनों आपने बीबी 11 में हमारा बहुत दिल जीता, बहुत मजा आया इनका प्यार देख के। बीबी में कभी लगता है कि प्यार चलेगा नहीं, लेकिन इनका प्यार देखो अभी तक फुल ऑन चल रहा है। ब्लेसिंग्स हैं आपके सर। एंड इसने जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया सब कुछ, हमें एक एक चीज शिल्पा मेरी डार्लिंग है, बिग बॉस 11 हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। Thank you, we are very happy. I love the song. Thank you. You like the song? Thank you. I loved it. They both we loved your song. God bless. Superb. Thank you. Thank you, sir. Thank you, and now we leave you all with BB 11 people. Tino. Thank you. Okay, Tino, sir. Good night. Love you. Khana nahi khayenge? Arshi ji? Kya? Hello. Kya? Koi baat nahi. BB 11 hai na? Shub shub. मत बोल आज के इन दोनों को ऑब्वियसली अभी मुझे बीच में ही खड़ा कर दिया, ऐसे माँ वाला वापस इफेक्ट आ रहा है मुझे। देखो माँ तो किसी की हो, मेरी तो बहन है और माँ बहन करने में बहुत आगे हूँ ये सब। बहन भी मत बोल तू। चिल्पा मुझे इसको देख के रोना आ रहा था जैसे ही आई सामने चुलपा। एक्चुअली हम लोग रोज मिलते हैं ना इसीलिए। हाँ, ये दोनों बिजी होते हैं, हमसे नहीं मिलते। यार राइट। हाँ यार राइट। हाँ सी का जवाब सलमान सलमान भाई के साथ 10 के दम पे जा रही है। जवाब ये है, उसका जवाब ये है कि ये दोनों बिजी है। ओके बिजी लविंग ऑलवेज ऑलवेज ब्लेसिंग्स फॉर देम। हाँ नहीं नहीं ऑलवेज ब्लेसिंग्स रहेंगे। और ऑब्वियसली जैसे बीबी 11 में बोलते थे इन दोनों के लिए, तो उसके वजह से और भी ज़्यादा खुशी हो रही है दोनों। मुझे तो पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है शिल्पा को देख के इतने दिनों बाद। इतने महीनों बाद। हाँ कसम से। हाँ और पूछिए और बोलिए। आपने सॉन्ग देखा है तो कैसा लगा, जैसे बिग बॉस की केमिस्ट्री थी ऑफिसर ने? वही बिग बॉस की केमिस्ट्री मैंने ऑन स्क्रीन नहीं देखी थी ना, तो अभी मैंने ऑन स्क्रीन वो तो हम छुप छुप के करते थे ना। हम लोगों को नहीं पता शिल्पा छुप छुप के बाद छुप छुप के हेलो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कैमरा छुप छुप के सी देखो तो। अच्छा पूरे वो हिंदुस्तान के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए हम थोड़ी बहुत बिचिंग कर लेते थे, अच्छा क्या चल रहा है, हाँ क्या हो रहा है। लेकिन Obviously, बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। मैंने देखा गाना बंदगी एज यूजुअल लुकिंग वेरी हॉट एंड पुनीश एज यूजुअल तेरा भाई के रोमांटिक से काम है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हैं तेरे हो? भाई में भी दम है। ऑफकोर्स बहुत नहीं शादी वादी की बकवास बात मत शादी क्या होता है, शादी वादी कुछ नहीं। शादी आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक साल भर का, बस इनफ। और मेरे ख्याल से मैं इन्हें सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहूंगी दोनों को सीरियसली टुगेदर। यस यस दोनों का, हाँ दोनों को सिल्वर स्क्रीन पे देखना है, बाकी शादी वादी की बात छोड़ो। अच्छा आप तीनों से ही जानना चाहेंगे विकास क्या आप तीनों भी शादी नहीं करेंगे? क्या वो सांप ठीक है? कुछ तो लोग मेरे मेरे बाबा ने गाना सिखाया था मुझे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं मर ना जाए एनाकोंडा। आई होप सांप ठीक है। नहीं 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 ही, जो भी जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए हमारे बेस्ट विशेस हमेशा है, तो कोई किसी से कुछ बैर नहीं। अच्छा ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था। बिग बॉस की कोई एक्स जोड़ी अगर चाहती हो कि इस बार कोई पार्टनर बन के जाए इस सीजन में, तो वो कौन होगा? पुनीश और बंदगी जाएंगे और कौन जाएगा पार्टनर बन के? दोबारा अंदर के बोलेंगे बिग बॉस सीजन ही बंद कर दो अभी, बहुत हो गया। हां मतलब पार्टनर बन के जोड़ी जाना चाहे आई डोंट थिंक आई एम कौन होगे, कौन से कपल होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग फ्रॉम दी एक्स बिग बॉस? ये पुनीश और शिल्पा शिंदे भाई बहन। हाँ वोट लगा देंगे शिल्पा। तुम शिल्पा को जाना चाहिए किसी के साथ जोड़ी? जोड़ी कौन जाना चाहिए वो तो आप लोगों को पता है। हाँ किसके साथ जाना चाहिए शिल्पा? जोड़ी किसके साथ? मेरी तो जोड़ी बहुत लोगों के साथ अंदर बहुत अच्छी बनी थी। एक ही लोगों के साथ है। कौन अभी ये कौन है? ये रहा तेरा भाई प्लीज। अरे बाप रे
क्यों आप लोग मेरी बैंड बजाना चाहते हो? मैं पुनीश बंदगी के लिए आई हूँ। ये कौन से क्वेश्चन है? तुम बाद में मिलो मुझसे, इसको बहुत पकड़ के मारेंगे। दस कदम में कैसा रहा सलमान? हाँ ये ना बात, सुपर सुपर। नहीं ये सैटरडे टेलीकास्ट हुआ और आई होप, मुझे लगता है कि रास्ते पे बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं था, पता पूरा खाली रोड था। सब लोग दस कदम देख रहे थे, सबको दस कदम देखना है। 8 बजे से ही लोग अपने घर पे चले गए थे और सब घर पे थे, तो सोचो कैसा होगा। आई होप यार अच्छा। अच्छा करण पटेल ने आपको घर में भी काफी सपोर्ट किया था, वहाँ किस तरह का रहा, क्योंकि कंपटीशन था? एक्चुअली सरप्राइज ये था कि करण पटेल, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन करण पटेल जी जो डबल अमाउंट, एक्चुअली वो जो अमाउंट जीते थे उन्होंने उसकी आधी अमाउंट मुझे दी। क्या बात कर रहे हो? मुझे मतलब मैं जिस स्कूल को डोनेट कर रही हूँ, हाँ मैंने मजाक में बोल दिया ऊपर का थोड़ा बहुत दे दो। मेरे तो 2 लाख दिए नहीं। कौन से? वो जो हम रोज शर्ट लगाते थे, आज ये जाएगा 2 लाख। आज बस 12 आ रहा है, 11 भूल जाओ। ओके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करो तो अभी शिल्पा चंद कहाँ पर देखेंगे? ओ स्क्रिप्ट सुन रही हूँ। नहीं कुछ नहीं है फिलहाल, है तो कोई काम दे दो। शिल्पा शिंदे दिखेंगे आपको, तो काम आता है। शिल्पा शिंदे आपको एक नई मूवी में दिखेंगे बहुत जल्दी। कुछ भी नहीं है, रागी तो मराठी, कोई मराठी मूवी में दिखने वाले हैं जल्दी। मराठी हाँ 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 कर रही हूँ ना, तो वो एकदम आएगा धमाका, आई होप। थैंक यू सो मच।